जी हाँ दोस्तों, यदि आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और 2021 में यदि आप बोर्ड देने वाले हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि बड़ी अपडेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कि बड़ी अपडेट क्या है। दोस्तों जैसे कि पता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उनका एग्जाम ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। जी हाँ, कि उसका एग्जाम ऑफलाइन होगा या तो फिर ऑनलाइन होगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का अपडेट में ये क्लियर हो चुका है, सीबीएसई वालों ने यह क्लियर कर दिया कि अब आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ही लिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि आपका जो 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं 10th का या तो फिर 12th का, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि उनका एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब सीबीएसई वाले ने कंफर्म कर दिया है कि उनका एग्जाम ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही लिए जाएंगे। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो ये था आपका पहला अपडेट। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि उनका डेट शीट कब आएगा। जी हाँ, यानी कि एग्जाम का जो रूटीन होगा कि आज ए एग्जाम होने वाले हैं, कल ए एग्जाम होने वाले हैं, वो जो रूटीन होता है वो कब आएगा। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी तक सीबीएसई वाले ने कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की है कि उनका एग्जाम कब हो। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हैं कि वो अभी ऑन वे है, यानी कि अभी जारी है, यानी कि उस पर अभी काम चल रहा है, यानी कि अभी रूटिंग जारी नहीं हुआ है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक और बात मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का नाम है कि सर एग्जाम कैंसिल होगा या फिर पोस्टपोन होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा, लेकिन ये 110% है कि कैंसिल तो नहीं होने वाली है। जी हां, कैंसिल तो नहीं होने वाली है, या तो फिर हो सकता है कि पोस्टपोन हो। जैसा कि पता होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है 3 दिसंबर को ऑनलाइन आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सके। माय डियर फ्रेंड्स, 10 दिसंबर को फिर से टाइम दिया गया है, यानी कि 10 दिसंबर को ऑनलाइन आएंगे और सारे लोगों से बात करेंगे। इसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि जो एग्जाम है पोस्टपोन होगा, यानी कि डेट आगे बढ़ेगी, या फिर जैसा मार्च या अप्रैल में जिस तरह से एग्जाम लिया जाती थी उस तरह से एग्जाम ली जाएगी। ये बात आपको पता चलेगी 10 दिसंबर के बात। जी दोस्तों, तो आप बात करते हैं कि सिंपल पेपर का क्या होगा, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का नाम है कि सिंपल पेपर कब आएगा। जैसे कोई पता होगा कि जिस तरह से आगे एग्जाम लिया जाता है उसी के पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन आते हैं और उसी को स्टूडेंट क्या करते हैं, तैयारियां करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई सिंपल पेपर जारी नहीं की गई है। जैक वाले ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि दिसंबर के लास्ट तक आपका सिंपल पेपर रिलीज हो जाएगी। जी हाँ, दिसंबर के लास्ट तक आपका सिंपल पेपर रिलीज हो जाएगी। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो ये था 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा अपडेट कि उनका एग्जाम जो है ऑफलाइन ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियोज लेकर आऊँ या कोई भी न्यूज लेकर आऊँ आपको सबसे पहले पता चले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अच्छा चलता हूँ दुआ।